शिवनी जिले की छपारा तहसील में लगने वाली सीताफल मंडी का क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय मुनमुन निरीक्षण करने पहुंचे, जहां विधायक ने किसानों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की। किसानों ने बताया कि हम आसपास के ग्रामीण अंचल से सीताफल लेकर आते हैं और हमसे ठेकेदारों द्वारा अवैध वसूली की जाती है। किसानों ने अन्य समस्याओं से भी अवगत कराया, जिस पर विधायक ने मौके पर उच्च अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र निराकरण कराए जाने की बात कही। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। मैंने यहाँ पर अवैध जो खरीदी तरीका था, वसूली थी किसानों से, उसको रुकवाने के लिए भी आया, अभी भी शिकायत तो मैं अभी आया, इसके पूर्व मैंने कलेक्टर साहब को और जिला पंचायत सीओ साहब को इस अनियमितता को मैं अवगत करा चुका था, किंतु फिर भी आज भी अनियमितता निरंतर चालू थी। इसलिए स्वयं अपने आंखों से देखा हूँ कि यहाँ का जो ठेकेदार है वो हमारे किसान अपने घरों से टोकरी लेके आ रहे हैं, उनसे 5-5-10 रुपये वसूल रहे हैं और उनकी जो टोकरी के जो सीताफल के रेट हैं बड़े कम कीमत में बिकने के कारण भी हमारे किसान परेशान। और मैं बताना चाहूँगा 95% से ऊपर जो सीताफल लेके आते हैं किसान, वो मेरी विधानसभा सिवनी विधानसभा की, और वही यहाँ पर आके लौटा गया, जिसको लेकर मैंने अभी बात किया उच्च अधिकारियों से। यहाँ पर आपने देखा कि जनपद सीओ और तहसीलदार साहब भी आए, उनके सामने भी ये बातें सामने आई है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद ये शिकायतें दोबारा ना आए, और ऐसी आने की स्थिति में मैं चाहूंगा कि यहाँ का सचिव और ग्राम पंचायत के खिलाफ भी FIR और ठेकेदार के खिलाफ भी FIR। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।